लात मार दिया उस कुर्सी को। आज सवाल नैतिकता का नहीं है, याद रखिएगा, बार बार मैं इस बात को कह रहा हूं, याद रखिएगा इस बात को, नैतिकता का सवाल ही नहीं है। नैतिकता का सवाल होता तो सबसे पहले कारगिल के फौजी की पत्नी जहां पे निवस्त करके घुमाई गई मणिपुर में, दंगे हो रहे हैं एक साल से, वहां पे इस्तीफा होता। नैतिकता का सवाल होता तो अजय मिश्रा टेनी का लड़का जो चार किसानों को कुचल के मार देता है, उसका इस्तीफा होता, पहलवान बेटियों को न्याय मिलता। नैतिकता का सवाल होता तो, नैतिकता का सवाल होता तो चुन चुन के भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में शामिल करके मंत्री पद पर नहीं बिठा रहे होते मोदी जी। नैतिकता सिखा रहे आदर्श घोटालेबाज को आप जो है राज्यसभा में भेज के हमको नैतिकता सिखा रहे भाजपा वाले। ये सवाल नैतिकता का नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं, ये सवाल भारत के लोकतंत्र को बचाने का है। आज केजरीवाल इस्तीफा दे देंगे, आम आदमी पार्टी को खत्म कर दिया जाएगा, खत्म, सारे विधायकों को तोड़ा जाएगा, जेल में डाला जाएगा, हमारे मंत्रियों को जेल में डाला जाएगा, पंजाब के मंत्रियों को, विधायकों को जेल में डाला जाएगा, पंजाब के मुख्यमंत्री को जेल में डाला जाएगा, उनसे इस्तीफा मांगा जाएगा, स्टालिन को जेल में डालेंगे, विजयन को डालेंगे, सिद्धारमैया को डालेंगे, रेवंत रेड्डी को डालेंगे, ममता बनर्जी को डालेंगे, पूरे देश के विपक्षी पार्टियों को खत्म करेंगे, अखिलेश यादव को जेल में डालेंगे, तेजस्वी को जेल में डालेंगे। तुम्हारी चप्पल उठाने के लिए बने हम लोग, देश में दादागिरी करोगे, नैतिकता सिखा रहे हो हमें। उत्तर भारत के बड़े बड़े नेताओं को, एक आदिवासी नेता को हेमंत सोरेन को आपने जेल में डाल दिया, अरविंद केजरीवाल को पकड़ के जेल में डाल दिया, कल को सारे विपक्षी नेताओं को चार फर्जी मुकदमे लगाओ जेल में डालो, फिर नैतिकता पे बता रहे हो। और उत्तर भारत के लोग इस चीज को देख रहे हैं कि कैसे टारगेट कर करके एक एक नेता को जेल में डाला जा रहा है। हम लोग चप्पल उठाने के लिए बने हैं। धन्यवाद। पंजाब के कुछ सांसद हैं और एक रिपोर्ट सामने आई, बता रहे कि आपके ये सांसद जब पूरे पार्टी के सभी नेता अरविंद केजरीवाल के समर्थन में तस्वीरें बदल रहे थे, प्रोफाइल लगा रहे थे, आपके राज्यसभा के सांसद जिसमें हरभजन सिंह से लेकर के बाकी तमाम वो हैं, कोई एक अब तक सोशल मीडिया छोड़िए पब्लिक प्लेटफॉर्म पर भी केजरीवाल के समर्थन में नहीं आया है, क्या ये सांसद पार्टी के साथ हैं भी? उसके बारे में पार्टी आप अपने यहाँ बातचीत करें। एक आखिरी सवाल, खतर सवाल भी उठ रहे हैं, बीजेपी उठा रही है, क्या दिल्ली सरकार सही तरीके से चल रही है, फॉर्मूला क्या है जिसके तहत अभी चल रही है? अरे गड़बड़ क्या वो बताइए पहले, चलिए आपसे कौन सा काम नहीं हुआ वो बताइए ना। सर एक चीज बात मैं ये कह रहा हूँ, आप ये बताइए कि दिल्ली की जनता का कौन सा काम नहीं हो रहा है, उसका जवाब पूछिए ना, आप पूछिए ना। स्वास्थ्य विभाग का काम नहीं हो रहा है, कि बिजली विभाग का काम नहीं हो रहा है, कि फ्री बिजली बंद हो गई है यहाँ पे, कि फ्री पानी बंद हो गया है, कि फ्री माताओं बहनों की बस की यात्रा बंद हो गई है, आप पूछिए ना, बताइए, बताता हूँ मैं आपको। एक चीज आप बताइए मुझे, कठिनाइयां आप लाख पैदा करते रहिए, दुश्वारियां आप लाख पैदा करते रहिए, उन परिस्थितियों में भी हम लड़ रहे हैं ना, उसे काम तो कर रहे हैं दिल्ली के लोगों का। देश में पर कैपिटा इनकम के मामले में दिल्ली सबसे अग्रणी राज्य है, अग्रणी राज्य। दिल्ली के एजुकेशन व्यवस्था की पूरी दुनिया में तारीफ होती है, दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक और स्वास्थ्य व्यवस्था की पूरी दुनिया में तारीफ होती है। यही मोदी सरकार की किरकिरी है आंखों की, समझ गया? संवाद हो पा रहा है मुख्यमंत्री से, संवाद जिस माध्यम से हो पा रहा है, फोन के माध्यम से, परिवार से बात अभी तक जो हो रही है, जिसकी जांच शुरू कराया है इन लोगों ने, उसमें भी अब अड़चन बाधा जो डालेंगे उसकी लड़ाई लड़ेंगे। काम क्या रुक रहा है जनता का वो बताइए ना। सुप्रीम कोर्ट से आपको क्या उम्मीद है, क्योंकि जो याचिका अब सुप्रीम कोर्ट में डाली गई है कल? देखिए पहली चीज तो कल से मैं खबर देख रहा था, ये ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट के चैलेंज वाली याचिका थी, लेकिन जो रेगुलर बेल की याचिका है वो याचिका अलग होती है। अब इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष हमारे वकील अपने दलीलों को रखेंगे, केजरीवाल साहब के
जो पक्ष में बातें हैं उसको रखेंगे। कल से हमारे मीडिया के मित्र जो एक बात ये चला रहे हैं कि ये हाईकोर्ट का फैसला है, हाईकोर्ट का फैसला है और कोर्ट के सामने तमाम तथ्य रखे गए, नहीं नहीं, कृपा करके अपने आप को सही करिए। 20,000 पन्ने अनरिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट, 20,000 पन्ने अनरिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट में रखे हैं। 20,000 पन्ने में दोहरा रहा हूं आपको, 20,000 पन्ने में दोहरा रहा हूं, डिवाइस को मिला पन्ने और ज्यादा डिजिटल डिवाइस को मिला लेंगे। केस को और ज्यादा गहराई से क्या है केस, ये केस को समझिए गहराई से क्या है केस में। 50,000 पेज, 456 गवाह है इसमें, 34,000 पेज की चार सीट, आरोपी है इसमें 34 इसकी पेचीदगियों को, जटिलताओं को समझिए, इसकी पेचीदगियों को, जटिलताओं को समझिए। और इसके अंदर सारे कागजात और साक्ष्य, सारे कागजात कोर्ट के साक्ष्य नहीं रखे गए हैं। मैं बार बार दोहरा रहा हूं, नहीं रखे गए हैं, मैं बार बार दोहरा रहा हूं। आपने कुछ बयान तरीके से समक्ष रखे, आपने कुछ बयान कोर्ट के समक्ष जो हमारे खिलाफ दबाव बनाकर लिए जो हमारे खिलाफ केजरीवाल दबाव बनाकर लिए गए, यानी खिलाफ केजरीवाल मैं अपने बारे में नहीं बोल सकता, नहीं खिलाफ मैं अपने बारे में नहीं बोल सकता, लेकिन नहीं बोलूंगा। लेकिन जो 20,000 पन्ने हैं उसकी सच्चाई, 20,000 पन्ने हैं उसकी सच्चाई बहुत चौंकाने वाली है। ये तो वकीलों के इंस्पेक्शन में पता चला था ना, ये तो वकीलों के 12 बयान में से सरद रेड्डी ने 10 बयान में, 12 बयान में से सरद रेड्डी ने 10 बयान, ये तो वकीलों के इंस्पेक्शन पे कोर्ट के आदेश पे पता चला था, ये तो वकीलों के इंस्पेक्शन पे कोर्ट के आदेश पे बयान में बाप बेटे ने 8 बयान में, 10 बयान में बाप बेटे ने 8 बयान में कुछ नहीं कहा केजरीवाल के लिए मंगूठा रेड्डी। जैसे ही नाम लिया वैसे ही बेल हो जाती है, और जैसे ही नाम लिया आप बेल घोटाला, शराब घोटाला, कमल छाप दारू घोटाला, कमल छाप दारू घोटाला भारतीय कमल छाप दारू घोटाला भारतीय जनता पार्टी मनी है 7 करोड़ रुपए की मनी, और इनके सारे शीर्ष नेताओं से, और इनके सारे शीर्ष नेताओं पूछताछ कमल छाप दारू घोटाला जो सामल छाप दारू घोटाला से लिया गया, 60 करोड़ रुपए सरद रेड्डी से लिया गया, और पैसा सारे शीर्ष नेताओं से चाहिए, और ईडी सारे शीर्ष नेताओं से, टैक्स डिपार्टमेंट ईडी पूछताछ करे, इनकम टैक्स छापेमारी करे, पूछताछ करे, छापेमारी करे और इनके खिलाफ कार्रवाई करे। जब सरकार बनेगी तो क्या क्या होगा आप ही देखेंगे, सरकार बनेगी तो क्या क्या होगा उसकी काय अभी से चिंता कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, ये एक्सपोज हुए हैं 100%, और क्या क्या होगा देखिएगा। अभी करने दीजिए बेईमानी जितनी कर पा रहे हैं भाजपाई, लेकिन कृपा करके नैतिकता वाला शब्द भाजपाइयों से मत जोड़ा कीजिए। भ्रष्टाचार के खिलाफ ये लोग बोलते हैं तो मैं फिर दोहरा रहा हूं कि ओसामा बिन लादेन अहिंसा पे उपदेश दे रहा है, ऐसा ही प्रतीत होता है। इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे पैसा ले लेके ठेका देने वाली पार्टी हमसे सवाल पूछ रही है, बताइए आप। 3,08,000 करोड़ रुपए का ठेका दिया है, 3,08,000 करोड़ रुपए का, कंपनियों से चंदा लिया, रिश्वत ली और ठेका दिया, ईडी सीबीआई का छापा मारा, पैसा लिया छोड़ दिया। धंधेबाज पार्टी है भाजपा, धन्यवाद।